मॉर्निंग बच्चों, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बसंत की सच्चाई पार्ट फॉर्म पिछले 3 वीडियो से आप लोगों को इसी पार्ट फॉर्म कर रही हूँ। तो यहाँ पर आज बसंत की सच्चाई पार्ट का पहला दृश्य खत्म हो गया था हमारे लास्ट वीडियो में। तो पहले दृश्य में आप लोगों को यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण विषय माने पहले दृश्य में हम देखते हैं कि एक बाजार का सीन, बाजार का एक परिस्थिति, वहां पर बहुत सारे व्यापारी व्यापार कर रहे रहते हैं और उन्हीं के बीच में बसंत एक नंगे गए और फटे कपड़े अपने हाथ में छोटे छोटे सामान लिए बाजार में इधर उधर पुकारता फिरता है। तो वहीं पर उन्हें राजकिशोर जी नजर आते हैं और उसे लगता है कि राजकिशोर जी उससे कुछ न कुछ सामान खरीदेंगे और वो राजकिशोर जी से बहुत विनम्रता से रिक्वेस्ट करता है कि वो कुछ करिए, लेकिन राजकिशोर जी कहते हैं कि उनके पास चुट्टे नहीं और वो मुफ्त में उसे पैसे देने लगते हैं कुछ खरीदे बिना। लेकिन कहता है कि बसंत कहता है कि मुफ्त के पैसे बीत के बराबर और मैं भी नहीं लूंगा। हाँ, उसकी बात, उसकी वो बात जो बीत नहीं लूंगा वो कहता है ना, वो बात राजकिशोर जी के हृदय को प्रभावता है और वो उससे कुछ खरीदने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन भैया अपने जेब कटेलते हैं कटोलते हैं तो वहां पर उन्हें चिल्लर नहीं मिलता, सिर्फ नोट रहता है और बसंत से कहते हैं कि तुम एक काम करो, कल मेरे घर आ जाना, मैं किशनगंज में रहता हूँ, वहां पर मैं तुमसे कुछ खरीद लूंगा। लेकिन बसंत तैयार नहीं है कल के लिए, वो कहता है कि नहीं साहब, आप आज ही कुछ खरीदिए। तो वो कहते हैं कि अरे भाई, मेरे पास तो चिट्ठे नहीं है, मेरे पास तो नोट है। और बसंत कहता है कि मेरे पास भी चिल्लर नहीं है। कोई बात नहीं साहब, आप एक काम कीजिए, नोट लीजिए, मैं बाजार से लाऊंगा, जाकर पुनः लाता हूँ। और राजकिशोर जी नोट 1 रुपए का नोट देते हैं बसंत के हाथ और बसंत 1 रुपए का नोट लेकर बाजार की ओर भागता है। और वहीं खड़े होकर राजकिशोर जी 5, 10, 15 मिनट तक इंतजार करते हैं, लेकिन बसंत वापस नहीं आता। अब उनके दिमाग में कुछ शंका आने लगती है कि कहीं ये लड़का मेरा 1 रुपए का नोट लेकर तक नहीं चला गया। और वो इंतजार करते करते थक जाते हैं और वो वहां से चले जाते हैं। अब देखो यहाँ पर दूसरा दृश्य, दूसरे दृश्य में स्टेज पर जरा सा परिवर्तन के साथ पहले जैसा दृश्य, एक और किशनगंज का बोर्ड लगा हुआ है, हल्का शोर है, संध्या हो गई है। देखो यहाँ पर दूसरा दृश्य चल रहा है किशनगंज में, किशनगंज नामक एक पलक वहां पर बोर्ड रखा है और कुछ लोग आने जाने बातें करने की एक शोर चल रही है और वो संध्या का समय है, लोग घरों की ओर लौट रहे हैं। उन्हीं के बीच एक बदला दुबला पतला लड़का जल्दी जल्दी आता है। उन सभी लोगों के बीच में से एक छोटा सा बालक, दुबला पतला, लेकिन में भी करने वाला एक बच्चा आता है और जल्दी जल्दी आता है। वह नंगे पैर है, कपड़े फटे हैं, सो उसके भी पैर नंगे हैं और कपड़े पूरे फटे हुए हैं। सो उसका आयु लगभग 10 वर्ष का है, सो उसका आयु लगभग 10 वर्ष का है। उसकी शक्ल बसंत से मिलती है, उसकी शक्ल, उसका चेहरा बसंत से मिलती है। वह उसका छोटा भाई प्रताप है। देखो वो कोई और नहीं, बसंत का छोटा भाई प्रताप है। और वहां से जाते व्यक्तियों से कुछ पूछ रहा है, उसके मुंह पर व्याकुलता है। तो वो उन लोगों के बीच में इधर भागता उधर भागता और लोगों को वहां पर रुक रुकने को कहता है और वो कुछ पूछ रहा है और उसके चेहरे पर कुछ व्याकुलता माने कुछ दर्द, कुछ दुख, कुछ गुस्सा है। प्रताप क्यों जी, किशनगंज यही है? एक व्यक्ति को वहां पर रोकता है और उनसे पूछता है क्यों जी किशनगंज यही है? एक व्यक्ति, हाँ प्रताप, राजकिशोर जी कहाँ रहते हैं? और राजकिशोर जी के बारे में पूछता है कि राजकिशोर जी कहाँ पर है? प्रताप, एक व्यक्ति, कौन राजकिशोर जी? प्रताप कहते हैं जो लेक्चर देते हैं मजदूरों की बस्ती में जाते हैं। राजकिशोर जी का एक उनका एक वृत्ति बताता है कि वो मजदूरों के बस्ती में जाते हैं, माने वो मजदूरों के नेता और उसके साथ वो लेक्चर भी देते हैं। सो एक व्यक्ति, मैं नहीं जानता, आगे पूछो। प्रताप आगे बढ़ जाता है और एक दूसरे व्यक्ति से पूछता है, पूछता प्रताप और आगे बढ़ता है दूसरा व्यक्ति। सो प्रताप दूसरे व्यक्ति से पूछता है क्यों जी पंडित राजकिशोर जी कहाँ रहते हैं? और दूसरा व्यक्ति कहता है कौन पंडित किशोर? वे जो मजदूरों के नेता है। तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को रोकता है और उनसे पूछता है कि क्यों जी पंडित राजकिशोर जी यहाँ पर रहते हैं? तो वो व्यक्ति ऐसा लगता है
नीला पर्दा है ना, तो वो एक इशारे से प्रताप को दिखाता है ना, उधर देखो वहां पर नीला पर्दा है ना प्रताप, हाँ दूसरा व्यक्ति बस वे वही रहते हैं, वो नीले पर्दे वाला घर तुम्हें दिख रहा है ना, सो वही है उनका घर, वहां पर वो मिल जाएंगे, ऐसा वो व्यक्ति उसे इशारा करके दिखाता है। व्यक्ति आगे बढ़ जाता है, प्रताप नीले पर्दे वाले मकान के सामने जाकर पुकारता है। सो प्रताप को, प्रताप जिन लोग पहुंच रहा था उनका घर उसे मिल गया है, और वो जो व्यक्ति उसे एड्रेस बताए थे वो वहां पर से निकल जाते हैं। प्रताप उस मकान के सामने जाकर वहां पर पुकारता है, प्रताप राजकिशोर जी, पंडित राजकिशोर जी, वो उस मकान के सामने खड़ा होकर राजकिशोर जी, पंडित राजकिशोर जी ऐसा करके जोर से पुकारता है। अंदर से आवाज आती है, राजकिशोर कौन? सो अंदर से ही आवाज करके राजकिशोर जी पूछते हैं कौन, खिड़की से जानकर देखते हैं क्यों भाई क्या बात है, और अंदर से ही बैठकर खिड़की से जानते हैं, और उस लड़के को देखकर, उस छोटे से लड़के को देखकर पूछते हैं क्यों जी क्या चाहिए। प्रताप जी मुझे मेरे भाई ने भेजा है। तो प्रताप कहता है कि मुझे मेरे भाई ने भेजा है राजकिशोर जी। सो तुम्हारा भाई पहरों में आता हूँ, बाहर आकर तेरे भाई कौन है बच्चे। तो वहां पर वो लड़का वही से कहता है कि मुझे मेरे भाई ने मुझे आपके यहाँ भेजा है। तो पंडित राजकिशोर जी को समझ में नहीं आता, पहरों में बाहर आता हूँ और क्या बात है मैं तुमसे पूछता हूँ, और बाहर आते हैं और पूछते हैं कि कौन कौन है तुम्हारा भाई। प्रताप आज दोपहर को उसने आपको एक चली बेची थी। सो आज दोपहर को बाजार में जो लड़का आपको चली बेचा था वही है मेरा भाई। राजकिशोर जी हाँ हाँ, आज मैंने एक लड़के से एक चली ली थी, एक रुपया का नोट दिया था। हाँ हाँ, आज मैंने बाजार में एक चली लिया था और उसके बदले में मैंने एक रुपए का नोट दिया था। अभी उनके मन में एक आशंका है कि नोट लेकर वो शायद ही भाग गया। प्रताप वह नोट बुनाने गया था, मगर जब बुना कर लौट रहा था तो मोटर के नीचे आ गया, मोटर उसके ऊपर से निकल गया। अब प्रताप सच्चाई बताता है कि आपके द्वारा दिए नोट को लेकर वो बाजार गया था, बाजार में बुना भी लाया, लेकिन वापस आते वक्त एक मोटर दुर्घटना से इसकी एक अपघात हो गई, मैंने मोटर गाड़ी उसके पैरों के ऊपर से चली गई और उसका पैर खिंचले गई। राजकिशोर जी अचरज, क्या मोटर उसके पैर से निकल गई? सो राजकिशोर जी को ये सुनकर बहुत दुख होता है और आश्चर्य भी होता है, क्या वो मोटर गाड़ी उसके पैर के ऊपर से चली गई? ये तो बहुत ही बुरा हुआ। प्रताप स्वर्ग गिराता है, उसका सामान पैसे सब बिखर गए, उसके दोनों पैर उछले गए। अब वो सर नीचे करता है, माने आंखों से आंसू निकलता हुआ राजकिशोर जी से कहता है कि उसके सामान में जो छोटे छोटे सामान थे ना वो पूरे बिखर गए और उसके दोनों पैर उछले गए, और उसके नन्हे नन्हे पैर उस मोटर गाड़ी के नीचे आकर वो पैर उछले गए। ऐसा कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आते हैं। राजकिशोर जी पैर उछले गए, वो उस बालक के पैर उछले गए। प्रताप प्लीज रुआसान, जी हाँ, और इसलिए वे आपके पास ना आ सका, सो इसलिए वो आपके पास बुना वापस देने के लिए वो नहीं आ पाया, क्योंकि मोटर से उसकी दुर्घटना हो गई थी और उसके पैर उछले गए थे और वहां पर वो बेहोश हो गया था। बड़ी मुश्किल से उसे घर ले गए, सोनी पर पड़ा था वो, उसे बहुत ही मुश्किल से इधर उधर लोगों ने आकर उसे बड़ी मुश्किल से घर लाए। बड़ी देर में जब उसे होश आया तो उसने मुझे आपके पैसे लौटाने को कहा। बहुत देर बाद उसे होश आई और उसके पैर की दर्द बहुत थी, और उसने होश आते ही आपके बारे में कहा और मुझसे कहा कि मैं जाकर आपके बुने जो है वो वापस देख रहा हूँ, आपके 14:30 आने आया हूँ। तो बसंत आपके 14:30 आने वापस लेने के लिए आया हूँ आपको ढूंढता हुआ, ऐसा प्रताप कहता है। तो यहाँ पर देखो बसंत जो राजकिशोर जी का नोट लेकर, एक रुपए का नोट लेकर बाजार जाता है, बाजार जाकर बुना लिया, लेकिन वापस क्योंकि वो जल्दी देता राजकिशोर जी को उसे बुने देते, और राजकिशोर जी ने भी कहा था कि जल्दी आना क्योंकि मुझे कोई जरूरी काम है, इसलिए वो जल्दी से दौड़ कर आ रहा था, लेकिन
अचानक उसकी एक मोटर गाड़ी से टकरा गया और उसके दोनों पैर, क्योंकि मोटर गाड़ी उसके नन्हे नन्हे पैरों के ऊपर से गुजर गया और उसके दोनों पैर कुचले गए और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। लेकिन वहां पर देखो एक गरीब शरणार्थी लड़का, उसके ना आगे है ना कोई पीछे, कुछ लोगों ने मिलकर से घर लाए। देखो यहाँ पर उसे किसी ने भी अस्पताल भी लेकर नहीं गए, इसलिए उसे घर लाया गया। उसे तो घर में आकर बहुत देर तक वो बेहोश थे। घर में उसके बसंत क्या बाई के अलावा कोई नहीं था घर में। प्रताप उसके सर के तले बैठकर शायद रो रहा था अपने भाई को देखकर। उसे बहुत देर के बाद होश आए तो वो अपने निकल की जल से निकालता है और प्रताप के हाथों में मुझे दर्द रहता है और कहता है कि जो किशनगंज में रहते हैं, जो राजकिशोर जी, उन्हें जाकर ये गुनाह दिया हो। इतना दर्द, क्या पैर पिछले जाने का दर्द, इतना दर्द सहने पर भी उसके दिमाग में होश आते ही पैसे लौटाने की बात आती है। तो हमें ये यहाँ पर सोचने पर मजबूर करता है कि वो लड़का कैसा होगा जो 12 साल का नन्ना मुन्ना बच्चा, उसकी जहन में ईमानदारी मेहनत के बारे में कितना शक्तिशाली दबाव है उसके दिमाग में, ये सोचने पर हमें यहाँ पर मजबूर कर देते हैं। तो ये आज कर रहे हैं क्लास, कल मैं इसका कंटिन्यूएशन करूंगी। एक बार आप भी इस वीडियो, इस क्लास, इस लेसन को स्टार्टिंग से सुनिए और प्रताप का जो होलिया है, प्रताप का जो मेहनत है, अपने आप से उसकी इमेजिन करके देखिए कि कितना प्रताप और बसंत दोनों की बाएं आए दोनों, उनके बारे में सोचेंगे तो एक अफसोस हमारे दिल से निकले। तो आज के लिए बस इतना, कल इसका मैं कंटिन्यूएशन करूंगी।